बड़ी बड़ी ट्रेनों का वादा किया जा रहा है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारा देश विकास कर रहा है, लेकिन ये भी तो देखिए कि एक आम इंसान कितनी दिक्कतों का सामना करता है। एक आम इंसान के जीवन में ऐसे भी बहुत ढेर सारी समस्याएं होती हैं और सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब उसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है और वो रेल की सुविधा उठाता है। तो आप देखिए कि आप कितनी कसमकस, अभी आप देखेंगे अगर आप दिखा पाएँ पीछे के साइड दिखाइए, मतलब यहाँ पर हालत ये है कि एक सीट पर अगर चार लोगों की सीट है तो छः या आठ लोग बैठे हुए हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी खड़े हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जगह नहीं मिली है, वो वहाँ गेट पे ही खड़े हैं। अगर हम दिखा पाएँ तो आपको दिखाएंगे और समस्या भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक इंसान को ये बताइए कि आप कहीं ट्रैवल करने के लिए सोचते हैं, कहीं जाना हो तो क्या सोचते हैं कि ट्रेन में आएंगे सीट वीट मिलेगी नहीं मिलेगी? आप दिखाइए, इधर आइए और दिखाइए यहाँ पर कितनी समस्या है। ये वो जगह है जिसे गेट कहा जाता है, लेकिन अभी ये गेट नहीं है, अभी ये जगह बन चुकी है जहाँ लोग खड़े हैं। बताइए भैया क्या क्या समस्या आती है? नहीं बताएंगे, बताएं भी क्या, कितनी दिक्कत है। हाँ चाचा, हाँ बहुत तकलीफ होती है ना, हम लोग आते हैं बैठने के लिए उम्मीद, लेकिन सीट से ज़्यादा आदमी स्टैंडिंग में मिलता है, तो यह प्रॉब्लम तो बहुत है। इसको तो मतलब देखना ही चाहिए कि मतलब कैसे मतलब तकलीफ को दूर करें हम। हाँ ठीक ना। हाँ हाँ, अभी हम उनको पास दे दें, वो आगे जाना चाहती है। हाँ, हाँ। फिर आपसे बात की जाएगी। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको जाना है तो एक जंग लड़नी है, अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो मतलब एक जंग लड़नी है। और सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब एक महिला ट्रैवल कर रही है, उसे अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, एक बुगी से दूसरे बुगी जाना है या वॉशरूम जाना है, तो वो कितने लोगों से लड़ते भिड़ते जो है जंग करते हुए बहुत लड़ती हुई जाती है। अगर उसको बाथरूम जाना लग गया है तो 10 मिनट तो लग ही जाएगा जाने में, और करीब करीब 20-25-30 आदमी को धक्के मारते हुए जाएगी, बहुत मुश्किल है। क्या क्या समस्याएं आती है जनरल बोगी में? जनरल बोगी में तो बहुत समस्याएं हैं। पहले तो एक बाथरूम तो जा ही नहीं सकता है, बाथरूम में भी जाएंगे तो आदमी मिलेगा उसमें भी। साफ रहता है नहीं रहता है? साफ किधर रहता है, उसमें कचरा रहता है, पूरा भरा हुआ है, जब से चला है वाला ये तो एकदम पूरा भरा हुआ रहता है। बाथरूम जाने के लिए उसमें पानी भी नहीं है, तो ऐसे ही गंदा रहता है वो। पानी तक नहीं है? पानी तक भी नहीं है आपका, इसमें जाने के लिए जनरल में तो पानी भी नहीं है। बहुत प्रॉब्लम है जनरल में, तो यात्रा करना ही समझिए कि बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ा जंग है अगर आप जनरल से कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए सोच रहे हैं तो। बहुत मुश्किल है जनरल में तो यात्रा करना, अब एक समझिए कि अब मुसीबत है, जाना जरूरी है, तो इसीलिए उसमें लोग जाते भी हैं। रिजर्वेशन तो सबको मिल नहीं पा रहा है, जाएंगे उसमें तो फाइन देना पड़ेगा, इसीलिए मजबूरी है उसको जाना इसी में। बड़ी बड़ी ट्रेनों का वादा किया जा रहा है, तेजस एक्सप्रेस, बुलेट ट्रेन, ऐसी कई ट्रेनें बनाई जा रही हैं। सही भी है, विकसित भारत में ज़रूरी है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि एक आम इंसान जो कहीं ना कहीं हम भी देश के विकास में योगदान देते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जब हमें समस्याएं उठानी पड़ रही हैं, ऐसी समस्याएं कि हमें भूसे की तरह जानवरों की तरह ढूंस के जाना पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे आप कि मेट्रो ट्रेन ज़्यादा बनना ज़रूरी है कि एक जो रूट ज़्यादा बिजी रहता है उस पर नॉर्मल ट्रेन ज़्यादा चले कि एक आम इंसान को सुविधा हो जाने में कम से कम? जो भी आम आदमी के लिए सुविधा हो बनना चाहिए, मेट्रो बने चाहे भी बने, सुविधा देना चाहिए, सरकार सोचे चाहे मतलब जो भी सुविधा मिल सके आम आदमी के लिए वही बनना चाहिए। मेट्रो बन से अगर सुविधा है तो मेट्रो बनाए, और अगर इसमें अगर ट्रेन बनाने से है तो ट्रेन पैसेंजर का तो कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए कि अगर पैसेंजर रुक गई तो उसको मेल एक्सप्रेस ही है जो कि वहाँ पर रुक ही रह जा रही है 1-2 घंटा तक, डबल लाइन होने के बाद भी समझिए कि डिले पैसेंजर ट्रेन। हाँ बहुत प्रॉब्लम है लोकल के लिए, पैसेंजर के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। ट्रेन टाइमिंग पे होती है नहीं होती है? ट्रेन टाइमिंग होते हुए भी वो डिले हो जा रही है, इसलिए कि वो पैसेंजर वहीं रुक जाती है, बाकी उसको एक्सप्रेस से मतलब पास करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम आता है। मतलब अगर पैसेंजर ट्रेन है तो वो अगर उसकी टाइमिंग हो गई है चलने की तो भी वो नहीं चलती है जब तक एक्सप्रेस ट्रेन को पार ना करे, डिले हो जाता है। एक तो ट्रेन है कि मैंने सिवान से आती है जो भटनी, वो 4 घंटे में पहुँचती है, और आदमी उसमें सो के भी थक जाता है कि क्या करें, इसे यात्रा करना ही उसमें बैठे बैठे थक जाता है वो, सिवान से भटनी आने में 4 घंटे समय लगाती है। आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? हम भटनी से बनकटा जाएंगे। हाँ, कितने देर का रास्ता है दोनों? ये तो ये दोनों का रास्ता 20 मिनट का है। 20 मिनट मतलब 20 मिनट आप खड़े रहेंगे? 20 मिनट तक तो हमको खड़ा ही होकर जाने का है। हम भटनी से बनकटा जा रहे हैं लेकिन खड़े ही जाएंगे, मजबूरी है कि हमको जाना जरूरी है, नहीं जाएंगे तो अभी हमको 10 बज जाएगा, इसलिए जरूरी है कि हमको इस ट्रेन से जाना है, चाहे और इससे भी भीड़ होगी तभी भी जाना है, मजबूरी है हर आदमी की मजबूरी है, इसीलिए। जॉब करते हैं आप? मैं जॉब नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। बिजनेसमैन? हाँ। ये बताइए एक आम इंसान कितनी दिक्कत उठाता है जब वो किसी पैसेंजर ट्रेन से जाने के लिए सोचता है, तो क्या क्या समस्याएं? बहुत समस्याएं हैं,
और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग प्लेटफार्म में बैठे रहते हैं, अलाउंसमेंट नहीं होता है कि कौन गाड़ी कहाँ है। अगर अलाउंसमेंट हो जाता है तो उस हिसाब से आदमी अपने साधन से निकल जाता है घर द्वार, कभी 7 बज जाता है, कभी 8 बजता है, 10-11 बज जाता है रात में आने से, उधर से समझ रही है ना, उधर से आने के लिए 8 बजे टाइम है रात में पैसेंजर का, तो कभी 10 कभी 11 कभी 12 झेलना पड़ता है हम लोग। वही बताया दे मतलब 8 बजे इतना घंटा बाद लेट आएगी तो हम लोग अपने साधन से किसी तरह से घर पहुंच जाते हैं समय से, तो 10-11 रोज ही बच जाता है हम लोगों का। कभी ऐसा भी हुआ है कि अनाउंसमेंट ना होने की वजह से ट्रेन छूट गया? ऐसा भी होता है, ऐसा भी हुआ है भाटपर में। अच्छा, भाटपर बनकटा में अनाउंस नहीं होता है, ये तो पक्का है, भाटपर बनकटा में अनाउंसमेंट नहीं है। इसके बाद वही स्टेशन आ रहा है भाटपर, बस खड़ी हो रही है। अभी हम लोग चलेंगे उस स्टेशन पे भी दिखाएंगे कि वहाँ अनाउंसमेंट तक नहीं हो रहा है। देखिए आप कितनी, जैसे बनकटा से गाड़ी छोड़ती है ना तो उस समय बोलते हैं लोग पुनः कि प्लेटफार्म नंबर 1 पे आ रही है, 2 पे आ रही है, इस तरह से बोलते हैं, बाकी पीछे गाड़ी कहाँ है ये लोग नहीं बताते हैं। अच्छा, हम लोग पूछते भी तो कहते हैं देखिए बोर्ड पे लिखा है, कुछ नहीं लिखा। इंक्वायरी वाले भी नहीं बताते, नहीं बताते हैं, इंक्वायरी वहाँ है ही नहीं, ये समस्या यहाँ है। अब बनकटा में तो अनाउंसमेंट भी नहीं है ना, इंक्वायरी भी कुछ भी नहीं है, बोर्ड भी एक लगा देते हैं लोग लगा लें तो वो भी नहीं है बनकटा मतलब में। अगर एक आम इंसान, जो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है, भारत में शिक्षित लोग उतने ज्यादा नहीं है, तो आप बताइए कि अगर उसे एक ट्रेन पकड़नी है या आप अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, आप पूछताछ की ऑफिस नहीं रखेंगे तो क्या होगा? अभी जो है स्टेशन रुक गई है, अब आपको चलेंगे वो स्टेशन, अभी दिखा रहे हैं आपको कि कितनी समस्याएं हैं। रुक, ये है भाटपररानी स्टेशन, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनाउंसमेंट की सुविधा नहीं की गई है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले चाचा ने बताया था। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो बेसिकली वहाँ से आवाज़ें आती हैं जो ये बताती है कि कौन सी ट्रेन कहाँ और कब जो है वो आने वाली है या कहाँ और कब जा रही है। ये रहा भाटपररानी का स्टेशन, जहाँ आप देख रहे हैं ना एक भी स्पीकर है ना कुछ है, यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं की जाती है। इस वजह से लोगों का बताना है कि उनकी ट्रेनें जो हैं वो छूट जा रही हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पता नहीं चलता है किस ट्रेन से जाना। एक इंसान अपने दैनिक जीवन में कितनी समस्याएं उठाता है, बोरी की तरह उसे भर के जाना होता है, और कैसे वो ट्रैवल करता है। हम ये नहीं कह रहे कि ट्रेनें ना बने, पर हम ये भी कह रहे हैं कि एक आम इंसान के जीवन में जो समस्याएं है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। नॉर्मल जो बिजी रूट की जो ट्रेनें जो रूट है उस पर ज़्यादा ट्रेन चलाया जाए, ताकि आम इंसान जो है वो कम से कम सुविधाजनक स्थिति में जा तो पाए। अब अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहते हैं तो आपको कैसे मुश्किल का सामना करना पड़ेगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप दिखाइए एक बार फिर अपने पीछे के साइड कि कैसे लोग जो है वो खड़े हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो आप मेरे पीछे साइड दिखाइए, बहुत सी ऐसी महिलाएं भी हैं जो खड़ी हैं, और यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन्हें भी कैसे खड़े होकर ट्रैवल करना पड़ रहा है। हम जो है विकसित भारत की तस्वीर देखते हैं, लेकिन ये भी देखिए कि हमारा जो भारत है वो कितने बुरे हालत में जो है विकसित हो रहा है। आप देखिए एक सीट जो है वो 4 या 5 लोगों की सीटें हैं, इधर आप दिखाइए कितने ढेर सारे लोग जो है वो बैठे हुए हैं एक सीटों पे। बहुत समस्याएं हैं। इनके अलावा भी हम कहीं ना कहीं देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी देखिए कि एक आम इंसान की समस्याएं कितनी हैं। आगे भी आपको शौचालय भी दिखाएंगे अगर हो सका तो, और इसके अलावा अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुक रुक, भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।